नमस्कार भाई लोग, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बैटल में फिर से आ गए नहीं एक और रिएक्शन वीडियो का, तो आज हम फिर से करेंगे एक और नया भोजपुरी गाना का रिएक्ट। और ये गाना है झुमका टूटल हो, रितेश पांडे, आरोही भारद्वाज और सपना चौहान का। तो चलिए देखते हैं, रिएक्शन रिव्यू करते हैं। ये नया गाना है, 3 दिन पहले ही आया और 2 मिलियन व्यूज है भाई, तो ट्रेंड कर रहा था। तो चलिए हम भी सोचे कि भाई देख लिया जाए कैसा है गाना, क्या है गाना और कैसा है इसका वाइब, कैसा है इसका रिलीज, कैसा है इसका म्यूजिक, सब चीज का आंसर मिले सिर्फ यहाँ। तो चलो शुरू कर जाए रिएक्शन और रिव्यू के कारवा। चलो देखा जाए झुमका टूटल हो भाई रितेश पांडे। तो चलिए देखते हैं कैसा है गाना, कैसा है कर भाई, चलो देखा जाए। तो भैया कान वीडियोस गेट वन, चलो शुरू कर जाए झुमका टूटल हो, रितेश पांडे, आरोही भारद्वाज, सपना चौहान के गाना। चल न्यू भोजपुरी एल्बम और ये सारे गाना गरबा के सबसे पहले ऐड। भाई साहब और ये गाना देखिए भैया, हमको एक्सपेक्टेशन सुनने था क्योंकि हम पहली बार सुन रहे थे कोई रितेश पांडे जी का गाना। आरोही भारद्वाज का तो हम सुने हैं गाना, ठीक है, बट इन रितेश पांडे जी का पहला गाना सुन रहे थे। और ये गाना से मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, हम देखे कि भैया हाँ आया है। तो चलिए देख के रिएक्शन रिव्यू कर देते क्योंकि पहला रिएक्शन ही हमारा रितेश पांडे के पहला रिएक्शन है, ठीक है। और ये जो गाना निकला है क्या बोले, मतलब सही में मजा आ गया। मतलब जिस तरीके से म्यूजिक और जिस तरीके से गाना है, ठीक है, देखिए झुमका टूटल हो ये गाना तो सबको पता ही है कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो उसी से रेफरेंस लेके इसको बनाया गया है। और भाई मतलब क्या बनाया गया, मजा आ गया यार, मतलब सच्ची में मजा आ गया। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो ये गाना मुझे पसंद आया, ठीक है। स्टार्टिंग के म्यूजिक अगर जिस तरीके से स्टार्ट हुआ है म्यूजिक, मतलब जिस तरीके से सबसे पहले ये लड़का का वोकल है, फिर आरोही का वोकल जो आया है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। प्रोडक्शन डिजाइन भी वीडियो का काफी खर्चा किया भाई ने, मतलब भाई ने सोचा कि गाना में दम है तो पूरा पैसा ठूस डालो। और इसी के कारण इसके 2 मिलियन व्यूज है भाई, क्योंकि इससे पहले मैंने रितेश पांडे जी का भाई मतलब सच बताऊँ तो नामों नहीं सुना था, ठीक है। ये पहला गाना मैंने देखा और पहला ही गाना मैंने क्लिक करा और ये जो जिस तरीके से निकल रहा है भाई मजा आ रहा है, ठीक है। अभी तो फर्स्ट ही हाफ हुआ, चलिए देखते हैं सेकंड हाफ में कैसा मजा आता है। ऐसा मजा आ रहा है यार, मतलब गाना का म्यूजिक काफी अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करा है, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करा गया है, मतलब बहुत सारे लेयर्स है, बहुत सारे वेरिएशन है म्यूजिक में, ठीक है। वो जो तुम फील कर सकते हो क्योंकि भाई हर टाइम पे तुमको कहीं ना कहीं चेंजेस तुमको दिखेगा, ठीक है, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स का यूज तुम्हें दिखेगा, ठीक है। और जिस तरीके से मतलब जब ये एक लेयर खत्म हुआ, एक फेस खत्म हुआ, ठीक है, जिस तरीके से थोड़ा स्लो डाउन करके म्यूजिक को एकदम कवाली वाला थोड़ा वाइब दिया गया, ये क्या बोलते हैं हारमोनियम के साथ, ठीक है, वो चीज को मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। बोले लगा अरे भाई
ये क्या चेंजेस है, ठीक है, देन फिर बैक टू नॉर्मल, ठीक है, देन फिर उसमें भी कुछ कुछ चेंजेस, ठीक है, देन फिर प्लस में फेज सिंगिंग में चेंजेस, तो काफी काफी सोच समझ के गाने को बनाया गया है, ठीक है, काफी मतलब दिमाग लगाया गया है गाना बनाने के पीछे कि भाई ऐसा बनाना है जिससे कि ऑडियंस एंगेज रहे, कि टूटे ना ऑडियंस का ध्यान, ठीक है। और उसी तरीके से वीडियो प्रोडक्शन पे भी खर्चा किया गया है कि भाई हर टाइम पे तुम्हें एक अच्छी तरीके से, क्योंकि देखो वीडियो ऐसा होता है ना कि बहुत कुछ सुनते हैं, गाने को सुनते हैं, ठीक है, गाने को देखता कोई नहीं है, गाना मतलब सुनना है, ठीक है, सुनने में इंटरेस्टिंग होना चाहिए, देखने के लिए अगर तुम विजुअली बहुत ही ग्रैंड कर दोगे, ठीक है, और तुम्हारा गाना अटट्टी, तो फिर मजा नहीं आएगा। और वो चीज का ध्यान रखा गया कि भाई गाने पे बहुत ज्यादा मेहनत करी गई है, और ये चीज को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। चलो आगे देखते हैं। तो भाई साहब गाना हो गया खत्म, और भाई मस्त से गाना ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया मुझे, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस लो थी, ठीक है, जब मैंने इस गाने के क्लिकबेट को क्लिक करा, ठीक है, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस यहाँ थी, पर जब गाना खत्म हुआ ना तो मेरी एक्सपेक्टेशंस भाई अलग ही लेवल पे, मतलब अलग ही लेवल पे, क्योंकि गाना सच में ऐसा है, ठीक है, गाने को बहुत ध्यान से बनाया गया, ठीक है, बहुत ही दिमाग लगाकर बनाया गया। लिरिक्स की अगर मैं बात करूँ तो लिरिक्स काफी डबल मीनिंग है, अगर तुम समझोगे तो, ठीक है, ये बहुत सारी उधर की बातें हो रही हैं जो कि अपन लोग को कोई वास्ता ही नहीं है उसका, ठीक है, उधर की बातें हो रही हैं, पर लिरिक्स को अगर साइड किया जाए तो म्यूजिक पे अगर ध्यान दिया जाए तो म्यूजिक काफी मुझे अच्छा लगा, ठीक है, और लिरिक्स और म्यूजिक को काफी ब्लेंड करके बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, ठीक है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है। और बात करें वीडियो की, वीडियो तो वीडियोग्राफी में भी पूरा पैसा टूसा गया है भाई, मतलब भाई लोग ने अच्छे से, देखो एक गाना मिल गया भाई लोग को कि भाई ये है गाना, ठीक है, इसको तुमको बनाना है, क्योंकि भाई ये गाना तो उम्मीद है, और तभी ये गाना 3 दिन में 2 मिलियन गया भाई, ठीक है, और अभी तो मे भी और जाए, क्योंकि गाने में बात है वो, ठीक है, वायरलिटी फैक्टर तो है गाने में, तो अगर वीडियो वीडियो बनाना चाहते हो, रील्स वील्स बनाना चाहते हो तो बनना डालो, ठीक है। रितेश जी से मैं कहना चाहूंगा, रितेश जी आपने मुझे अच्छे लगे हो, ठीक है, अच्छे सिंगर हो तुम, हाँ अच्छे सिंगर हो, वैसे ही मेहनत करते रहो, बहुत आगे जाओगे, और जैसे कि मैं तो बहुत बड़ा मोहम्मद रफी, तो खैर इसी के साथ लेते हैं अलविदा, और इस फिर से मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपना वीडियो डेली आता तो सब्सक्राइब करके चलो एकदम टिप दो सब्सक्राइब का बटन, और साथ ही में ज्यादा चेक करो झुमका टूटा लो भाई रितेश पांडे आरोही भारद्वाज सपना चौहान का, मतलब भाई गाना है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा गाना है, अब जाकर सुनो मजा आएगा आपको, ठीक है, और साथ में हमारे वीडियो को भी शेयर वेयर लाइक वाइक कर दो, व्यूज व्यूज लाइक किया पूरा टाइप से, चलो इसी साल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, चलो।